यार लोकी का फर्स्ट एपिसोड रिलीज हुआ। कमाल की बात तो ये है कि इसका हिंदी ट्रेलर एपिसोड 1 के साथ रिलीज किया गया है। कोई सेंस है इस बात की? चलो कोई नहीं, फर्स्ट एपिसोड से जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो सब मिलता है। हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। एंड अगले एपिसोड में क्या होगा ये भी टीज किया गया है। चलो अब और इंट्रो नहीं करता हूँ, बढ़ता हूँ सीधे ब्रेकडाउन पे। देखो सिंस लोकी की सीरीज ऑलरेडी हिंदी में है तो मैं लाइन बाय लाइन स्टोरी तो नहीं बताऊंगा, बट इस सीरीज में दिखने वाले हिडन डिटेल्स, मूवीज एंड कॉमिक बुक्स के रेफरेंसेस और इम्पोर्टेंट पार्ट को ही कवर करूंगा। एंड जहां जहां पे कंफ्यूजन हो सकता है उसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो जो फर्स्ट एपिसोड है वो 2012 से शुरू होती है। ये पूरा सीन आपने एंड गेम में ऑलरेडी देख लिया है, लेकिन इम्पोर्टेंट है लोकी के भागने का सीन। वो भाग के पहुंचता है मंगोलिया के गोबी डेजर्ट में। अब ये जो शॉट है वो एग्जैक्टली आयरन मैन के फर्स्ट मूवी के डेजर्ट वाले सीन के तरह है। इसे सेम वे में दिखाया भी गया है। अब ये एक सिंबॉलिक सीन भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से इसी सीन के बाद टोनी स्टार्क के कैरेक्टर का एक न्यू बिगनिंग हुआ था, सिमिलरली इस एपिसोड में भी लोकी के कैरेक्टर के साथ कुछ वैसा हो रहा है। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये एवेंजर्स के फर्स्ट मूवी के टाइमलाइन के बाद वाला लोकी है, जो कि अभी के लोकी से बहुत ज्यादा एविल था, और इसका पूरा कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ नहीं था उस टाइम तक। देन एंट्री होती है हंटर B-15 एंड टीवीए की। मतलब कि भाई टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ किए हो तो पंगा तो होगा ही। तो टीवीए पहुंच गई पकड़ने। यहाँ हंटर B-15 लोकी को अरेस्ट तो कर लेती है, लेकिन थोड़ा फोकस करोगे तो टीवीए की पावर्स का भी पता चलेगा कि टीवीए टाइम के साथ विद इन रियल टाइमलाइन भी मैनिपुलेशन कर सकती है, और किसी एक इंडिविजुअल के टाइम को भी कंट्रोल कर सकती है। जैसे कि भाई यहाँ लोकी के लिए टाइम स्लो चल रहा था लेकिन बाकी लोगों के लिए टाइम नॉर्मल था, वैसे यहाँ एक डिवाइस का भी यूज किया गया जिससे कि टाइमलाइन को रीसेट किया गया। मतलब कि जो अल्टरनेट टाइमलाइन लोकी के वजह से बनी थी उसे रिमूव कर दिया गया। मैं तो भाई यहाँ इनके बारे में सोच रहा हूँ, मैंने इन ब्लैक की तरह इनकी मेमोरी वाइप करनी चाहिए थी। ऐसा होता तो सच में मजा आ जाता। लेकिन हाँ, इस डिवाइस का इस सीरीज में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, जो कि आगे पता चलेगा। अब यार यहाँ पे सबका ये क्वेश्चन जरूर आता है कि भाई अवेंजर्स को क्यों नहीं पकड़ा, उन्होंने भी तो इतने सारे अल्टरनेट टाइमलाइंस बनाए थे टाइम ट्रेवल करके। और इसका एक्सप्लेनेशन अगर पर्सनली मैं दूं तो भाई टीवीए वहीं पे इन्वॉल्व होती है जब अल्टरनेट टाइमलाइंस बनते हैं और एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अवेंजर्स ने एंड गेम में टाइम ट्रेवल किया, अल्टरनेट टाइमलाइंस बनाए, बट एंडिंग में स्टीव रॉजर्स ने अल्टरनेट टाइमलाइन को क्लोज कर दिया। लेकिन सीरीज में ये एक्सप्लेन किया गया है कि टीवीए को सब कुछ पता है, पास्ट एंड फ्यूचर। अवेंजर्स ने जो कुछ भी किया वो होना ही था, इफ नहीं होता तब इशू था। बट लोकी ने 2012 की टाइमलाइन से भागकर जो किया वो नहीं होना था, इसलिए टीवीए ने उसको पकड़ा। सिंपली ऐसा समझो कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर सब कुछ प्री डिसाइडेड है, उससे कुछ अलग करोगे तो एक अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी और भाई टीवीए पहुंच जाएगी। बस होप करो कि हंटर B-15 ना पहुंचे। मुझे पता है कि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन दोबारा सुन लेना समझ लोगे। चलो आगे, अब लोकी की एंट्री होती है टीवीए के हेडक्वार्टर्स में। एंड सबसे पहले ही हम एक स्क्रल को देखते हैं। तो हाँ, ऐसे अल्टरनेट टाइमलाइन में सिर्फ गॉड ऑफ मिस्चीफ ही नहीं बल्कि बहुत लोग फंस जाते हैं। अब स्क्रल का यहाँ दिखना उतना मेजर तो नहीं है सिंस टीवीए हर जगह नजर रखते हैं, बट हाँ एक रिमाइंडर जरूर है कि सीक्रेट वॉर्स की भी सीरीज आ रही है जिसमें स्क्रल्स का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिकली वही लीड रोल में है। वैसे एक छोटा सा रेफरेंस, यहाँ पे एक और बंदे को पकड़ के लाया जाता है जो कि बोलता है कि मेरे पिता गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड में हैं। अब ये गोल्डमैन सैक्स एक रियल लाइफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है जो कि न्यूयॉर्क में है। तो हाँ, न्यूयॉर्क से सिर्फ लोकी नहीं भागा था। अब यहीं पे एक सीन था जहाँ पे लोकी का डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है एंड वो बार बार ऊपर से नीचे गिर रहा होता है। ऑब्वियसली ये लोकी अब तक डॉक्टर स्ट्रेंज से नहीं मिला, लेकिन मैं श्योर हूँ कि इस पूरे सीक्वेंस का इंस्पिरेशन डॉक्टर स्ट्रेंज वाले सीन से ही लिया गया होगा। I have been falling for 30 minutes. यहीं पे लोकी को ये भी कंफर्म करना पड़ता है कि वो रोबोट नहीं है, जो कि हम लोग हमेशा इंटरनेट पे करते हैं। भाई इस एपिसोड के बाद सबसे ज्यादा मीम्स इसी पे बन रहे हैं। आपके पास भी कुछ ऑसम मीम्स हैं तो मुझे इंस्टा पे टैग करना। आगे बढ़े तो इस एपिसोड में टीवीए के बारे में एक एनिमेशन के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है कि कैसे लॉन्ग लॉन्ग अगो एक मल्टीवर्स वॉर हो रही थी डिफरेंट टाइमलाइंस के बीच, जिसके बाद तीन टाइम कीपर्स ने मिलके मल्टीवर्स को एक टाइमलाइन में अरेंज किया जिसे कि सैक्रेड टाइमलाइन बोला जाता है। एंड इफ कोई इस टाइमलाइन से बाहर निकलता है तो उसे वेरिएंट बोला जाता है। एक सिंगल टाइमलाइन के ब्रेक होने से भी फिर से मल्टीवर्सल वॉर हो सकती है, और मुझे लगता है कि यहीं पे कनेक्शन हो सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज के नेक्स्ट मूवी से। लेकिन हाँ, केविन फाइगी ने यह भी बोला है कि लोकी एंड डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी में कोई कनेक्शन नहीं होने वाला, सो लेट्स सी क्या होता है। इस पूरे सीक्वेंस में एक जगह नेक्सस वर्ड का भी यूज किया गया है, टू बी एग्जैक्ट नेक्सस इवेंट। सेम इसी नाम के मेडिसिन का हमें
वांडा विजन में एड दिखाया गया था एंड वहाँ मैंने उसके बारे में एक्सप्लेन भी किया था। अब ये नॉर्मल इंग्लिश का वर्ड भी हो सकता है जिसका मतलब रिलेटेड होता है, या फिर अगर कॉमिक बुक्स के पन्नों को पलटें तो ये पता चलता है कि नेक्सस दो चीजों के लिए यूज की गई है। एक तो नेक्सस गेटवे है जिससे कि अल्टरनेट रियलिटीज में ट्रेवल किया जा सकता है, और फिर है नेक्सस बींग्स मतलब कि ऐसे लोग जो कि टाइम एंड रियलिटी को चेंज कर सकते हैं, इसलिए टीवी वाले इस पे और अच्छे से नजर रखते हैं। वापस अगर टीवीए पे आए तो कॉमिक्स में भी टीवीए की ओरिजिन बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। हाँ, कॉमिक्स वाली ओरिजिन थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, मैंने लोकी के ट्रेलर ब्रेकडाउन में इसकी ओरिजिन को और अच्छे से एक्सप्लेन किया था, चाहो तो वो देख लेना, लिंक मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा। देन है ये कैरेक्टर रेवोना रेंसलेयर जो कि टीवीए की जज है, एंड शायद सिर्फ वही तीनों टाइम कीपर्स के कॉन्टेक्ट में है, उसकी बातों से तो ऐसा ही लगा। लेकिन इंटरेस्टिंग है इस कैरेक्टर की कॉमिक बुक स्टोरी। कॉमिक्स में वैसे रेवोना का टीवीए से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन हाँ टाइम ट्रैवलिंग से है। भाई कॉमिक्स में कैंग एंड रेवोना की एक अलग सी ही लव स्टोरी थी, एक तरह से लव हेट रिलेशनशिप कह सकते हो, फुल ऑन बॉलीवुड वाली। अब देखो ऐसा एमसीयू में होने के चांसेस तो बहुत कम हैं, लेकिन हाँ कैंग जल्द ही एंटमैन एंड द क्वांटमैनिया में दिखने वाला है एंड जोनाथन मेजर्स ये रोल प्ले करेंगे। एंड आप लोग जानती ही हो कैंग, टाइम ट्रेवल, मल्टीवर्स, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आगे बढ़े तो ये है मॉबियस एम जो कि किसी केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है 1549 में, लगभग शो के टाइमलाइन से 450 साल पहले। अब इससे ये कंफर्म हो जाता है कि टीवीए सैक्रेट टाइमलाइन के फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट में कहीं भी जा सकते हैं। यहाँ किसी हंटर का मर्डर हुआ है जिसको कि एजेंट मॉबियस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, एंड इसी इन्वेस्टिगेशन पे ये पूरा शो है। अब देखो यहाँ उन्हें एक बच्चा भी मिलता है, जब उससे पूछा जाता है कि ये किसने किया तो वो डेविल की तरफ इशारा कर देता है। अब इससे एक बात तो होगी ही भाई, मेफिस्टो की फैन थ्योरी बनना चालू हो जाएगी क्योंकि मार्वल का डेविल वही है। अब मार्वल वाले खुद इतना हिंट देते हैं फिर डिसअपॉइंट कर देते हैं, रैल्फ बोनर को ही ले लो। वैसे एक जगह इन्होंने नाइटमेयर का भी मेंशन किया है कि टीवीए में नाइटमेयर का एक अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन नहीं भाई मैं यहाँ नाइटमेयर के कैरेक्टर का कोई भी फैन थ्योरी नहीं दूंगा। चलो कोई नहीं, मेफिस्टो, नाइटमेयर इन सबको साइड में रखते हैं, जब कंफर्म होगा तभी कुछ बात की जाएगी। वैसे मॉबियस को इस बच्चे के पास किसी तरह का कैंडी मिलता है जो कि ऑब्वियसली देख के ही पता चल रहा है कि 1549 में तो नहीं बना। जिसने भी उस हंटर को मारा है उसने ही इस बच्चे को दिया होगा। अब मुझे लग रहा था कि इस कैरेक्टर की सीक्रेट आइडेंटिटी तो इतना जल्दी रिवील नहीं किया जाएगा, वो भी फर्स्ट एपिसोड में, लेकिन रिवील करके और एक्साइटेड कर दिया गया और बताया गया कि जो भी ये सब कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि लोकी का वेरिएंट है। इसलिए मॉबियस ने लोकी को बचाया और उसकी हेल्प मांगी, क्योंकि भाई लोकी ही है जो कि लोकी को जानता है। पूरे एपिसोड में इस पे भी फोकस किया गया कि कैसे लोकी बुरे से बुरे काम करके भी बच के निकल जाता है, एंड सेम यही लोकी का वो वेरिएंट कर रहा है। एंड ऑब्वियसली लोकी के उस वेरिएंट के पास सेम टीवीए की टेक्नोलॉजी है जिसके हेल्प से उसने पहले 1549 में टीवीए के एजेंट्स को मारा, फिर 1858 में जाके मारा। उसने उनसे ये डिवाइस भी ले ली जिसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, और इससे टाइमलाइन को रीसेट किया जा सकता है। तो हाँ, ये जो भी लोकी का वेरिएंट है वो बहुत खतरनाक हो चुका है भाई, टाइमलाइन रीसेट करने का डिवाइस है तो वो कुछ भी कर सकता है। ओवरऑल यही है कि टीवीए वालों से कुछ नहीं हो पा रहा है, लोकी को ही अपने आप को पकड़ने में हेल्प करनी होगी। यहाँ पे लोकी को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चली कि भाई लोकी जेंडर फ्लूइड है। यहाँ उसके टीवीए फॉर्म में क्लियरली ये मेंशन था, कई लोगों को ये बात पहले से ही पता होगी, मैंने अपने नडी न्यूज ऐप में बताया था। यहाँ पे जेंडर फ्लूइड का मतलब है कि लोकी अपने आप को ना ही मेल से आइडेंटिफाई करता है ना ही फीमेल। अब ये कॉमिक्स के लोकी से जस्टिफाई भी होता है क्योंकि लोकी के कई स्टोरी लाइन ऐसे हैं जहाँ वो फीमेल रह चुका है। इस सीरीज में भी रिपोर्ट्स ऐसे ही हैं कि लोकी की फीमेल वर्जन भी दिखने वाली है। और देखो, बहुत लोग अभी ये कमेंट करने वाले होंगे कि मार्वल वाले सारे कैरेक्टर को फीमेल बना रहा है, तो देखो भाई ये मार्वल वालों ने खुद नहीं किया है। नॉर्स मिथोलॉजी अगर जानते हो जहाँ से इस लोकी के कैरेक्टर को लिया गया है वहाँ भी लोकी जेंडर फ्लूइड ही था। तो हाँ, इसे ओरिजिनल सोर्स से ऑथेंटिक रखा गया है, फेमिनिज्म के नाम पे ऐसा नहीं किया गया। अब देखो, ऑब्वियस सी बात है कि लोकी मॉबियस की हेल्प करने के लिए इतने इजीली से नहीं मानने वाला था, एंड इसके लिए मॉबियस उसे टाइम थिएटर ले जाता है। टाइम थिएटर में लोकी को उसका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ दिखाया जाता है। उसे रिवील किया जाता है कि टाइमलाइन तोड़ने की वजह से क्या क्या नहीं हुआ जो कि होने वाला था। फिर ये भी रिवील किया जाता है कि उसके एक्शंस की वजह से दूसरों को कितना पेन होता है और कैसे उसी के चलते उसकी माँ फ्रिगा की भी डेथ हुई। बट ऑब्वियसली उसे यहाँ ये भी लगता है कि ये सब कुछ इल्यूजन है। अब एक फ्लैशबैक के सीन में फिल कॉल्सन को भी दिखाया गया कि कैसे लोकी ने उसे मारा था। अब मुझे यहाँ पे ये ध्यान आया कि भाई एजेंट्स ऑफ शील्ड के सीरीज में रिवील हुआ था
कि एजेंट कोल्सन को फिर से जिंदा किया गया था प्रोजेक्ट टहिटी के अंदर। तो हो सकता है कि जानबूझकर मॉबियस ने वो पार्ट नहीं दिखाया, या मे बी डिज्नी प्लस शोज आने के बाद मार्वल वाले एजेंट्स ऑफ शील्ड से साइड हट रहे हैं, जैसे कि इनह्यूमंस के साथ हुआ था। आपने नोटिस भी किया होगा कि एजेंट्स ऑफ शील्ड के एपिसोड में तो एमसीयू के इवेंट्स की बात होती है, लेकिन एमसीयू में कभी भी एजेंट्स ऑफ शील्ड में हुए इवेंट्स की बात नहीं की जाती। तो मे बी बस मेरा ये गेस है कि ऑफिशियली अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट इसके मूवीज एंड इसके डिज्नी प्लस शोज रहेंगे। एक और इंटरेस्टिंग फ्लैशबैक सीन था डीबी कूपर का। अब ये पूरा जो सीक्वेंस था वो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। डीबी कूपर एक बंदा था जिसने कि 1971 में एक प्लेन हाईजैक करके $200,000 की चोरी की थी, और इसके बाद मिड ईयर ही वो प्लेन से पैसे लेकर जंप कर गया, और आज तक इसका कुछ पता नहीं चला कि वो कौन था, कहां गया, किसी को कोई खबर नहीं। फ्लाइट अटेंडेंट के हेल्प से उसका बस एक स्केच बनाया गया था। तो लोकी को लेकर पूरा यही स्टोरी लाइन दिखाया गया, और ऐसा प्रेजेंट किया गया कि भाई वो डीबी कूपर कोई और नहीं बल्कि लोकी था, इसलिए उसका पता नहीं चला। और इस पूरे टाइम थिएटर के सीक्वेंस में मॉबियस जॉस्टा के एनर्जी ड्रिंक पी रहा होता है, जो कि पेप्सी बनाया करती थी, और ये फर्स्ट एनर्जी ड्रिंक थी जिसका कि अब प्रोडक्शन नहीं किया जाता। अब ऐसे प्रोडक्ट का यूज करना जो कि अब एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि टीवी में टाइम का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी भी टाइम में जा सकते हैं, उस टाइम के प्रोडक्ट ला सकते हैं। अब टीवी में टाइम तो अलग है ही, लेकिन ये अभी तक के एमसीयू का सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ मैजिक भी काम नहीं करती। आपने देखा होगा कि कैसे लोकी के पावर्स यहाँ काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन भाई सबसे शॉकिंग मेरे लिए ये था कि भाई लोकी क्या, इन्फिनिटी स्टोन्स का भी यहाँ कोई वैल्यू नहीं। यहाँ सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स ड्रॉअर में पड़े हैं, और कई लोग उसे पेपर वेट की तरह यूज कर रहे हैं। मतलब कि भाई थैनोस भी कहता होगा, गजब बेइज्जती है। यहाँ पे ये भी मेंशन किया जाता है कि टीवीए के पास कई सारे इन्फिनिटी स्टोन्स हैं, सिर्फ 6 नहीं। मतलब कि उनके पास अलग अलग अल्टरनेट टाइमलाइन से इन्फिनिटी स्टोन्स आते रहते हैं। तो ये भी कंफर्म हो जाता है कि इन्फिनिटी स्टोन्स को कई और कैरेक्टर्स ने भी यूज किया है, एंड टीवीए वालों ने उनको पकड़ा भी है। और हाँ, एमसीयू में अभी भी इन्फिनिटी स्टोन्स एग्जिस्ट करते हैं, अब तो 6 नहीं कई सारे। और जब लोकी को इन्फिनिटी स्टोन्स का पता चलता है, तब उसे रियलाइज होता है कि हाँ भाई सच में टीवीए बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर अवेंजर्स वाला लोकी आपको याद हो तो उसे लगता था कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद वो टाइम थिएटर में जाके अपने मिस्टेक्स देखता है, अपना डेथ देखता है थैनोस के हाथों, और उसे रियलाइज हो जाता है कि वो किस ग्लोरियस पर्पस के लिए बना है, और तब जाके वो मॉबियस की हेल्प करने के लिए रेडी होता है। तो हाँ, ये एपिसोड सही था। फर्स्ट एपिसोड के अकॉर्डिंग इसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है कि भाई चल क्या रहा है, फिर इंट्रोड्यूस किया गया है कि कौन क्या है, एंड प्रॉपरली सेकंड एपिसोड के लिए क्लिफहैंगर रखा गया है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, साथ ही मुझसे कोई मेजर डिटेल मिस हो गया हो तो वो भी बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, एंड ऑब्वियसली कुछ मिस नहीं करना चाहते हो तो सब्सक्राइब।